चालू ढूंढे नहीं मिलेगा इसके पानी को क्या किनारे घूम लगा। अच्छा जितने भी अंदर कीटाणु पड़े हुए हैं तो कीटाणुओं को भस्म कर देगा। सुबह सुबह ऐसा नाश्ता हो जाए तो इसकी बात ही क्या है। इसके साथ मतलब की चीज तीन तरह की सब्जियां है, बड़ा बेहतर थोड़ा नहीं डालते हैं। फिर क्या डालते हैं? सोरे की फूलती है। आज हम आ गए रूपा कचौड़ी वाले पर, आप ये देख सकते हो इनका नाम ही काफी है। चलो आपको दूसरे मोड में दिखाता हूँ, इस मोड में मजा नहीं आ रहा। क्या दे रहे हो? बेहतरीन कचौड़ी दे रहा हूँ बेटे, जरा अच्छा गेटअप दे। अरे वाह, बड़ा बेहतरीन। थोड़ा नहीं डालते हैं। फिर क्या डालते हो? सोरे के फूल पिए ये कचौड़ी। अच्छा, कैसे दिखाओगे? हाँ हाँ, देख सकते हो कितना बेहतरीन मसाला है इनका। एक मिनट हो रहा है, वाह, जिस कचौड़ी में मसाला निकल के अलग हो गया कचौड़ी बेटा। अच्छा, ऐसी क्या बात है? 100 में से 80 दुकानों की कचौड़ियों को तोड़ेगा तू तो मसाला निकल के अलग हो जाएगा, मैदा अलग हो जाएगा। देख सकते हो भाई साहब, ये बात है इनकी कचौड़ी में, ये चिपका हुआ है सारा मसाला। अच्छा, बड़ा बेहतरीन चीज़ है कचौड़ी की, मैदा और मसाला चिपका हुआ है। अच्छा। जो जिसमें जान की तरह। अच्छा, उसका नाम है कचौड़ी। अच्छा, वाह भाई वाह। और सुबह सुबह ऐसा नाश्ता हो जाए तो इसकी बात ही क्या है। थोड़ा सूखी खा के दे, हफ्ते खराब नहीं होगी, ये खा के देखते हैं। ढोकला दे दो प्लेट। वाह भाई वाह। और इसके साथ गजब की चीज़ है। तीन तरह की सब्जियां हैं। कैसी कैसी? तीन तरह की सब्जियां, ये दम आलू, दम आलू, ये कद्दू खट्टा मीठा, ये कद्दू खट्टा, ये आयुर्वेदिक झोल, इसको बाद में टेस्ट करना, पहले इन दोनों को टेस्ट कर दो। ये खोलता हुआ है इनका, ये भी थोड़ा सा भी दो, खा के चेक करते हैं तो बताते हैं कैसा है। चलो गाइस, जब तक मैं आपको चेक करके बताता हूँ कैसा टेस्ट है इनका, बट प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो और आपके एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। काशी फल की सब्जी और ये आलू की, और ये आपको पत्तल के दोने पर सर्व करके देंगे जो कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलता। क्या स्वाद है, गजब का। गजब का स्वाद है भाई, मैं तो आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर आप एक बार आपकी ज़रूर दे। और अगर आप यहाँ पर नहीं आए तो आपका मथुरा आना और कचौड़ी ना खाना तो सब वेस्ट है। और ये आपको मिलेंगे द्वारकाधीश मंदिर के पास, और जल्दी हम आपको द्वारकाधीश मंदिर के भी दर्शन कराएंगे, तो इस चैनल पर बने रहिएगा। इसमें डालना आप झोल, आप डालिए, ये गर्मा गर्म इनका झोल है। किस चीज़ का बनता है झोल? आलू का झोल। आलू का? आलू ढूंढे नहीं मिला। अच्छा, ऐसा कौन सा आलू है इसमें? आलू सब एक ही है। अच्छा, आलू ढूंढे नहीं मिलेगा इसके, पानी को क्या किनारे घूम लगा। अच्छा, जितने भी अंदर रोगी कीटाणु पड़े हुए हैं तो कीटाणुओं को भस्म कर देगा ये। अच्छा, क्या लेगा बेटा? चलो हम भी खा के देखते हैं। हाँ हाँ, गर्मा गर्म सुबह ये झोल मिल जाए तो इसकी बात ही कुछ और है। और क्या दे रहे हो आप? ये एमपी फ्लेवर पोहा। ये एमपी फ्लेवर पोहा बाजू में दुकान है। और ये क्या है? ये जलेबी है? जलेबा है? जलेबा जलेबा। और ये हमारा पोहा लग रहा है। ओहो, नहीं ये मिर्ची पोहा है बेटे। अच्छा, तो टेस्ट करना, ढूंढे नहीं मिलेगी इस टेस्ट की मिर्ची। अच्छा, चलो करते हैं टेस्ट, बताते हैं आपको। हाँ हाँ, अलग ही स्वाद है। सबका ये जो मसालेदार मिर्ची है ना, ये आप ज़रूर खा के देखना इनकी। मन ऐसा करेगा बार बार खाओ। और आप देख सकते हो कितनी भीड़ है इनके पास। और यहाँ से जाते हैं द्वारकाधीश मंदिर के लिए, और यहाँ इनकी गर्मा गर्म जलेबी बन रही है, ये बन रहा है फाफड़ा। ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल पर बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये बात इनकी सच है, जितना अंदाज इनका खिलाने का बढ़िया है उतना ही स्वाद बढ़िया है। ऐसी बात नहीं है कि टेस्ट नहीं दे रहे, टेस्ट भी गजब का ही है।